तो कल राविंदर जी से अहिरवाल क्षेत्र से 8 विधायक उनसे मिले हैं और उन्होंने राव इंद्रजीत के प्रति पूरी आस्था जताई है और उनका कहीं कहीं और ज़्यादा मनोबल बढ़ाने की उन्होंने प्रयास किया है ताकि राव इंद्रजीत एक मजबूती से अपना जो दावा है फिर से दोहरा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद जहां एक और सभी एग्जिट पोल जो है वो उलटफेर हो गया उनमें और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां चुनाव लड़ा, वहीं अभी तक ऐसा लग रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह का कुछ भी कहीं कुछ नाम नजर नहीं आ रहा है। कहीं उसके पीछे हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें कहीं कुछ बगावत तो नहीं, क्या कुछ और दावेदार खड़े तो नहीं हो रहे हैं सीएम पद के लिए? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के अच्छे जानकार हैं। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि क्या कारण है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लेट हो रहा है। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, 8 अक्टूबर को जो है चुनाव का परिणाम आ गया, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने मुख्यमंत्री नायब सिंह जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे उसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा कि जो नायब सैनी होंगे वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दूसरी ओर अभी तक अगर बात करें तो आज 11 या 12 तारीख हो गई है, अभी तक कहीं भी शपथ ग्रहण समारोह का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कब होगा, लेट क्यों हो रहा है, उसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, जैसा आपने बताया, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा है वो जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी के नाम पर लड़ा है जी। और चुनाव से पहले ये भारतीय हाईकमान, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने भी घोषित किया था उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए, और यहाँ तक के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार में अमित शाह ने भी एक जनसभा में डिक्लेयर किया था कि हमारे आगामी जो मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी होंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधायक चुन के आए हैं उनकी अभी तक विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई है और ना ही विधायक दल का कोई नेता अभी तक चुना गया है। इस ऐसे में लगता है कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं और चर्चाएं भी उठने लगी हैं, तो आगामी मुख्यमंत्री का जैसे वो अहिरवाल से राविंदरजीत चुन के आए, राविंदरजीत के जो काफी संख्या में वो विधायक चुन के आए हैं जी। और ऐसे में कहीं कहीं अहिरवाल के लोगों में भी एक उत्सुकता बनी हुई है कि अब की बार राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत ने पहले कई बार अपनी दबी जुबान से मुख्यमंत्री के पद का जो दावा है जी। वो ठोकते रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल विज भी दबी जुबान से मुख्यमंत्री बनने का जो है दावा ठोकते रहे हैं। हालांकि अगर राव इंद्रजीत की बात करें तो जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक न होना और शपथ ग्रहण समारोह का भी मुझे लगता है अभी समय निश्चित नहीं किया गया। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के यहाँ न होने से, प्रधानमंत्री अभी विदेश में है उनकी वजह से कहीं कहीं डिले हो रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा के जो राज्यपाल महोदय हैं वो भी मुझे लगता है 14 तारीख तक हरियाणा से बाहर हैं, दोनों वजह हो सकती हैं शपथ ग्रहण समारोह में डिले होने की। लेकिन जब जब डिले होता है तो कहीं कहीं लोगों की जो लोगों में चर्चाएं होती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं दूसरे का किसी का नाम तो नहीं आ जाए। तो ऐसे में जो राव इंद्रजीत की अगर हम बात करें तो कल राव इंद्रजीत से जो उनके समर्थक विधायक हैं अहिरवाल क्षेत्र से 8 विधायक उनसे मिले हैं और उन्होंने राव इंद्रजीत के प्रति पूरी आस्था जताई है और उनका कहीं ना कहीं और ज्यादा मनोबल बढ़ाने की उन्होंने प्रयास किया है ताकि राव इंद्रजीत एक मजबूती से अपना जो दावा है फिर से दोहरा सके। और अहिरवाल के लोगों में एक उत्सुकता भी है, वो लोगों में तो यहाँ तक कहना है कि अब नहीं तो कभी नहीं।
देखिए मैं बात हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें, अहिरवाल बेल्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछली जो दो टर्म्स भी रही हैं और अब की टर्म में भी शायद एक बहुत बड़ा योगदान रहा है अहिरवाल बेल्ट का और दक्षिण हरियाणा का इसको सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को। देखिए ये तो इस पे तो हम डिस्कस करना मुझे लगता है वाजिब नहीं समझते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले डिक्लेयर किया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैन बने। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी एक्सरसाइज करती रही है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं और एक बार चुनाव के बाद और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मुख्यमंत्री बदलने का वो एक्सरसाइज करती रही है। ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन 5 सालों में जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा इसमें मुख्यमंत्री का बदलाव निश्चित रूप से होगा। ये समय बताएगा कि कब मुख्यमंत्री का बदलाव भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि इसी को लेकर एक उनमें भी जो रावेंद्र जीत है उनमें भी विश्वास जगा है और रावेंद्र जीत का नाम है अहिरवाल में, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके पिताजी 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी से रावेंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो 240-41 दिन तक ही मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन अभी फिर राव इंद्रजीत कहीं कहीं अपना दावा कहीं कहीं ठोक रहे हैं। बिल्कुल जैसा आपने मुझे बताया कि राव इंद्रजीत जो है वो अपना दावा ठोक सकते हैं। दूसरी ओर अनिल विज की बात करें, अनिल विज चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले अपना दावा ठोकते हैं सीएम पद के लिए। कहा जाता है कि उनके साथ 15 या 16 विधायक जो है वो पूरी तरह से अनिल विज के साथ हैं। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की बात करते हैं, अब राव इंद्रजीत जो है अहिरवाल बेल्ट पे उनका बहुत दबदबा है। आपने बताया कि 7-8 जो विधायक हैं कल उनको मिले और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। तो क्या ये जो दो दिग्गज है ये भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो राजनीति है उसकी गेम जो है वो बिगाड़ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता गेम बिगाड़ने के मूड में ना तो राव इंद्रजीत होंगे और ना ही अनिल विज होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी के रूप में इस पार्टी को जाना जाता है जी। और अभी मुझे लगता है कोई भी लीडर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में एक अलग गुट बनाकर जो है ना मुख्यमंत्री का दावा नहीं प्रस्तुत कर सकता। बस इतना ही हो सकता है कि अगर दोनों जो दावेदार हैं चाहे अनिल विज हो चाहे राव इंद्रजीत हो उन्होंने यही कहा कि आखिरी फैसला जो पार्टी हाईकमान का होगा हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है जो अंतिम फैसला उन्हीं का होगा और मान्य होगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं दबी जवान से दोनों ही ने मुख्यमंत्री पद का दावा प्रस्तुत कर दिया है, दावा पेश किया है। और लेकिन राव इंद्रजीत का दावा इसलिए मजबूत और ज्यादा मजबूत बढ़ता है कि अब की बार उन जो अहिरवाल में 11 सीटें अहिरवाल से क्षेत्र की आती हैं उसमें से 10 में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और ज्यादा 10 में से ज्यादातर मुझे लगता है 8-9 जो टिकट उन्होंने राव इंद्रजीत ने उनको टिकट दिलवाई थी और उनके कहीं कहीं बहुत कट्टर समर्थक है उनके। तो दूसरी ओर जब फरीदाबाद उनके जो 7 लगता जिला है फरीदाबाद और पलवल की अगर बात करें तो फरीदाबाद में भी ज्यादातर क्या 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसी प्रकार से पलवल की बात करते हैं, पलवल में जो 3 विधानसभा क्षेत्र 3 में से 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर पार्टी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री पद का अगर दावे वो बनाती है तो मुझे लगता है कि ये दक्षिणी हरियाणा से 1967 के बाद शायद दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है जी। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर चुनाव के पहले की वास्तुस्थिति की बात करें तो चुनाव से पहले राव इंद्रजीत जो है उसके सामने हाईकमान झुकता हुआ नजर आया कहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत ने अपनी कंडीशन रखी कि मुझे जो है पहले सबसे पहले मेरी बेटी के लिए टिकट चाहिए और वो देना पड़ा हाईकमान को। उसके बाद उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा जो है अपने जो सहयोगी थे समर्थक थे उनको टिकट दिलाई और लगभग उन सब ने जीत भी कहीं ना कहीं दर्ज कराई है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका दावा जो है
मुख्यमंत्री पद के लिए हो सकता है। निश्चित रूप से उनका दबाव माना है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कई जो मंत्री थे उनके टिकट काटी है, डॉक्टर बनवारी लाल के टिकट काट के डॉक्टर कृष्ण कुमार को दी है, उधर पटौदी से टिकट काटी है सत्यप्रकाश जो जरावता की टिकट काट के विमला चौधरी को दी है, और विधायक भी बने हैं जी। तो उनका मुझे लगता है कि इनके दबाव था भारतीय जनता पार्टी, और इसी दबाव के चलते आधा दर्जन से भी अधिक उनके समर्थकों को टिकट दी गई थी जी। तो अब भी वो कहीं कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल। मतलब जो 5 साल है उनका कार्यकाल है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। मेरा साहब, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई। नायब सिंह सैनी को पोर्ट्रे किया गया कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आप जैसा कि कहते हैं गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने हमेशा नायब सिंह सैनी की बात की, लेकिन चुनाव के बाद एकदम बाद जो निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका एक बयान आता है कि मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो हाई कमान करेगा, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, पहले भी हम बात करते रहे हैं जी। वहां पर अपने आप को किसी मंत्री घोषित करना या मुख्यमंत्री घोषित करना वो कहीं ना कहीं उनको उनके लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है। उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना बनता है कि अभी हमारी पार्टी जो हाईकमान है वो फैसला करेगा। हालांकि दूसरी ओर जो हम पहले भी बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले डिक्लेयर किया था नायब सिंह सैनी को, लेकिन जो चुनाव है मतगणना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी जीत दर्ज की है, उसके बाद अभी तक सेंटर के उनके जो हाईकमान के जो लीडर हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का कोई बनाने का कोई बयान सामने नहीं आया, इसलिए कहीं कहीं लोगों में चर्चाएं बढ़ जाती हैं, हो जाती हैं। और जो 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 शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ लेने की जो तिथि है वो तब दूर होती जा रही है, तो उसमें कहीं कहीं लोगों की इस तरह की चर्चाएं स्वाभाविक रूप से चलनी है, लेकिन अंततः क्या होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जाने। मैं दोबारा आता हूँ राव इंद्रजीत की बात करता हूँ। राव इंद्रजीत जो है पहले कांग्रेस के नेता रहे हैं, 3 बार कांग्रेस से जीते और तीसरी बार ही अब भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत हासिल किया सांसद के रूप में। अगर बात करें राव इंद्रजीत की, क्या राव इंद्रजीत ऐसा खेल खेल सकते हैं कि वो कांग्रेस में अपने जो समर्थक उनको लेकर जा सकते हैं और वहां मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई संभावना ही नहीं है किसी तरह की। अव्वल तो राव इंद्रजीत इस प्रकार का जो कदम है जो बगावत का नहीं उठाएंगे। अगर कहीं ना कहीं आप महत्वाकांक्षा की बात कर रहा हूं मैं, तो महत्वाकांक्षा भी कहीं ना कहीं लिमिट में होती है और उनकी भी कुछ होती है, परंपराएं होती हैं और एक जैसे सीमा होती है, क्योंकि जो ये दल बदल विरोधी कानून है वो कहीं कहीं उन पे वो इस तरह का वो करने से रोक। दल बदल तो इस बार तो चुनाव में इतना ज्यादा दल बदल हुआ कि दल बदल की अगर बात करें तो मुझे लगता है सारे के सारे नेता, कुछ चंद नेताओं को छोड़कर, नहीं इस तरह की संभावनाओं पे मुझे लगता है अभी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है इन चीजों की कि शायद ये भी चीजें हो सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल कतई नजर नहीं आ रही है। इस तरह का जो जो उनका रवैया है राव इंद्रजीत का नहीं रहेगा। राव इंद्रजीत पूरी तरह से जो उनके निर्देश के अनुसार चलेंगे, अपनी पार्टी के निर्देश के अनुसार चलेंगे, और पार्टी अगर उनको निर्देशित करती है कि और मुख्यमंत्री पद का जो दावे वो घोषित करती हैं तो निश्चित रूप से वो तैयार हैं। अनिल विज की वास्तुस्थिति भी, जो भी उनके आपको लगता है कि वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, अनिल विज दबी जुबान में मुख्यमंत्री पद का जो है दावा करते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता अनिल विज इस तरह का कोई कठोर दावा और ज्यादा आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बनने की का दावा करेंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो हर आदमी में होती है। अनिल विज 7वीं बार, मुझे लगता है 7वीं बार जी अंबालाकैंट से विधायक बने हैं, और अनिल विज जो 7वीं बार बने हैं तो वरिष्ठता तो उनकी देखो पूरी पार्टी में सबसे अधिक वरिष्ठ नेता है। उनका भी यही है कि आप दावा कर सकते हैं, ठीक आ जाए तो ठीक आ जाए, अदरवाइज तो उसके बाद तो मुझे लगता है ये इस इलेक्शन के बाद तो जो इस कार्यकाल के बाद तो अनिल विज का दावा मुझे लगता है कहीं कहीं
पुख्ता नहीं होगा। दूसरी ओर मैं एकदम से मेरे जहन में एक और सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में मैंने देखा कि उन्होंने एक नई रीत चलाई कि एक मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने दिए हैं। क्या हरियाणा में कुछ इस तरह का भी हो सकता है? डेफिनेटली मुख्यमंत्री के साथ साथ अब की बार है ना भारतीय जनता पार्टी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बढ़ा सकती है, क्योंकि कई तरह के कास्ट समीकरण साधने होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग के बेस पर चुनाव लड़ा, ये कोई माने या ना माने, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के तहत वो चुनाव लड़ा और जीती, और आगे सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए, जातीय समीकरण को साधने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी दो मुख्यमंत्री भी बना सकती है, दो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, दो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक तो पक्का है कि एक उप मुख्यमंत्री अब की बार बनाया जा सकता, जरूर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रायर प्रैक्टिस जो है ना ये उत्तर प्रदेश में की गई है और कई जी 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 बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। स्वाभाविक है यहाँ भी हरियाणा में भी एक जो सामाजिक जो है कास्ट समीकरण उसको साधने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सो दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हो रही देरी के कारण क्या है ये तो पार्टी हाईकमान ही बता सकती है, लेकिन अगर बात करें हरियाणा के दो बड़े दिग्गजों की, वो अगर पार्टी में कहीं ना कहीं बगावत नजर आती है या कहीं उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो उन पर हावी होती है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि जो हमारे साथ सतीश मेहरा जी बैठे हैं उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि इस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हो सकता है इस बार पार्टी जो है उप मुख्यमंत्री के साथ, एक या दो उप मुख्यमंत्री के साथ जो है इस बार सत्ता पर काबिज हो जाए। आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।